गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज शुभम पांडे और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स इनवर्स राउंडिंग। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है, ये कैसे किस चीज से बना होता है, इसके इसको किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसको डिफाइन कैसे किया गया है, मतलब जिन पार्ट्स में इसको डिफाइन किया है, जिसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। थर्ड उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। What do you mean by matrix? Matrix होता क्या है? Matrix. Matrix. सब बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि मैट्रिक्स चीज क्या होती है। यहाँ पर लिखा तो हुआ है मैट्रिक्स इन ओवर सराउंडिंग, लेकिन ये मैट्रिक्स चीज क्या होती है? पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको हम हिंदी में समझते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, अगर पेपरों में आ जाए, एनीथिंग ये अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या बताओगे? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस, सम स्पेस एंड हैव सम मास, has some mass and has some mass is known as matter. मैंने क्या डेफिनेशन लिखी यहां पर? Anything that occupies some space and has some mass is known as matter. मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो क्या करे उसका कुछ ना कुछ क्या हो, कुछ ना कुछ स्पेस कवर करे और उसके बाद कुछ ना कुछ मास हो, क्या हो? मास। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज, मान लो ये डस्टर है, ठीक है, इस डस्टर को मैं जो है इस सरफेस पे रख रहा हूँ, मेरे हैंड की जो सरफेस है इस सरफेस पे रख रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ वेट और कुछ ना कुछ मास है। जब मैं इसको इस पे रख रहा हूं तो ये क्या करिए, कुछ ना कुछ स्पेस कवर करिए, किसका? सरफेस का। जो ये सरफेस है इसका कुछ ना कुछ स्पेस कवर हुआ, किसके द्वारा? डस्टर के द्वारा। तो मैंने ये लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास इज नोन एज मैटर। मतलब कोई भी चीज जो क्या करे कुछ ना कुछ स्पेस कवर करे, उसका कुछ ना कुछ मास हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। क्या बोलेंगे? मैटर, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि मैटर होता क्या है। ये मैटर जो है किससे बना होता है? वेरी टाइनी पार्टिकल से। इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स का मतलब कि इतने छोटे जिसको हम देख ही नहीं सकते, विच इज नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, नेक्ड आइज। मतलब कहने का मतलब यह है कि मतलब ये जो डस्टर बना हुआ है ना, इसके अंदर जो इसको हम मैटर बोल रहे हैं, जो इसके अंदर पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, वो इतने छोटे हैं कि जिसको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। मैटर जो इससे बना होता है वेरी टाइनी पार्टिकल्स से बना होता है। वो टाइनी पार्टिकल्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे। देखो अब मैटर, देखो मैटर की एक खासियत याद रखना, जो मैटर होता है मैटर उसको कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी स्टेट में। उसको क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी स्टेट में। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पर कि अगर मैं किसी सॉलिड की चीज को ले रहा हूं, मान लो मैंने यहां पर सॉलिड की जगह ले लिया आइस ले ली,
आइस इज अ हार्ड सब्सटेंस, हो गया एक हार्ड सब्सटेंस, मान लो ये आइस है, उसको मैं जब ब्रेक करने की कोशिश करूंगा तो वो ब्रेक नहीं होगी, वो बहुत मुश्किल से ब्रेक होगी, वो क्या है, हार्ड सब्सटेंस है, ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस। अब इसकी स्टेट क्या है, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इसकी स्टेट है सॉलिड स्टेट, कौन सी स्टेट है, सॉलिड स्टेट। मैं इसको लिक्विड में करना चाहूं तो कर सकता हूं, हम सब ने देखा होगा कि जो आइस है वो मेल्ट होकर क्या बन जाती है, अपनी स्टेट बदल लेती है, कौन सी स्टेट में हो जाती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, कौन सी स्टेट में, लिक्विड, पानी बन जाता है उसका लिक्विड स्टेट। इट मीन्स हमको यह भी पता लगता है कि मैटर जो है कन्वर्ट भी हो सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे होता है, अभी हमको पता नहीं है, हम ये तो देख रहे हैं कि मैटर की स्टेट बदली जा रही है, लेकिन किस बेस पे बदली जा रही है, वो ऐसी क्या वजह है, क्या चीज है जिसकी वजह से मैटर की स्टेट बदल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या फिर प्रेशर भी हो सकता है, हमको जब हम प्रेशर को बढ़ाते हैं घटाते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, इसकी स्टेट कब चेंज हुई, इसके बेस पर चेंज हुई, इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर इसकी जो स्टेट है वो बदल जाती है, लेकिन सॉलिड का जो यहाँ पर सॉलिड की कौन सी चीज थी, आइस थी, जो आइस का टेम्परेचर था वो हमने माना कि 0 डिग्री सेल्सियस था, कितना था, जो आइस का टेम्परेचर था वो कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था आइस का, ठीक है, लेकिन जब लिक्विड में चेंज हुआ वो किस टेम्परेचर में हुआ, रूम टेम्परेचर ही लगा लो अप्रोक्स होगा आपका, मैंने मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस, 0 से 40 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब वेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर आइस चेंज इट्स स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब कहने का मतलब क्या मेरा, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब हम मान लो अगर ये आइस है, इस आइस को जब तक ये फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस में इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जैसे ही हम इसको रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसमें कौन सी स्टेट ले लेगी, लिक्विड स्टेट। इट मीन्स हमको पता लग गया कि इसके बेसिस पे अपनी स्टेट को बदलता है मैटर, कौन, मैटर, ये सब मैटर ही तो है, सॉलिड लिक्विड गैसेस सब क्या होते हैं, मैटर ही तो होते हैं, ये मैटर जब अपनी स्टेट को कब बदल रहा है, जब हम टेम्परेचर को या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, या फिर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, ठीक है, इतना हमको पता लग गया। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जो, इसको जो हमने क्लासिफाई किया गया है, इसको मैटर को जो क्लासिफाई किया गया है किसके बेसिस पे किया गया है, जो मैटर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, उसको हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की क्लासिफिकेशन, इसको क्लासिफाई किया गया किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट डाला यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्सेस। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो क्लासिफिकेशन हुई है किसकी,
जो क्लासिफिकेशन हुई है किसकी, मैटर की, वो किसके बेस पर हुई है, वो हुई है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब आप मेरे से पूछोगे कि ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होते हैं, किसी को पता ही नहीं है, मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पर एक रबड़ है, रबड़ देखिए, और यहाँ पर एक आयरन की रॉड है, मैं इन दोनों में से किसी एक को ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। मान लो सबसे पहले मैं रबड़ को ब्रेक करता हूँ, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगी। मान लो मैंने थोड़ी सी एनर्जी लगाई, मिनिमम एनर्जी में क्या हुआ, ये ब्रेक हो गई। मिनिमम एनर्जी में क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन। जो इरेजर हम यूज करते हैं, इरेजर हम यूज करते हैं रबड़ के इसमें इरेजर, ठीक है, ये क्या हुआ, कुछ ही देर में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गई। मिनिमम एनर्जी जो मैंने अपनी मिनिमम कम से कम एनर्जी लगाई। और आयरन रॉड को क्या हुआ, जब मैंने मैक्सिमम एनर्जी लगाकर भी देख ली, मैक्सिमम एनर्जी, व्हेन आई अप्लाई मैक्सिमम एनर्जी टू ब्रेक डाउन आयरन रॉड, तो क्या हुआ, वो आयरन रॉड जो ब्रेक डाउन हुई ही नहीं। क्यों भाई ब्रेक डाउन तो हुई ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है। ये भी सॉलिड है अपनी जगह, रबड़ भी रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं, क्या वो शेप बदल रही है, नहीं बदल रही, आयरन बदल रहा है, नहीं बदल रहा, सॉलिड तो दोनों है, सॉलिड तो दोनों ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है इनके बीच में। सब्सटेंस ये भी हार्ड है लेकिन ये उससे कम हार्ड है, सब्सटेंस वो ज्यादा हार्ड है लेकिन ये कम हार्ड है। देखो होता क्या है, जब हम इसको देखते हैं ना, जो ये मान लो ये छोटी सी रबड़ होती है, ये इरेजर है, मान लो जब मैं इसको क्या करूंगा, मान लो ये इरेजर है, छोटी सी इरेजर है, जब मैं इसको डीपली देखूंगा, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे बबल्स टाइप के, जिनकी क्या होती है, पैकिंग में होते हैं, वो कैसे होते हैं, पैकिंग में ठीक है, जैसे चैन बन रही है ऐसी पैकिंग में होते हैं। जिस मैटर के अंदर या फिर जिस सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर स्पेस क्या होगा, लार्ज स्पेस होगा जिस मैटर के अंदर या फिर जिस सब्सटेंस के अंदर उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज स्पेस होगा, और जो उनकी पैकिंग होगी वो कैसी होगी, अगर लूज होगी जो उनकी पैकिंग है वो कैसी हो, पैकिंग कैसी हो, लूज हो, तो क्या होगा, जो वो सब्सटेंस है वो क्या क्या होगा, सॉफ्ट सब्सटेंस होगा, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं होगा, इट इज नॉट हार्ड सब्सटेंस, इट इज नॉट वेरी हार्ड सब्सटेंस, इट इज नॉट वेरी हार्ड, ठीक है, यहां तक आई बात समझ। दूसरी जगह आयरन रॉड के साथ क्या हो रहा है, जब मैं उसको ब्रेकेज करने की कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा एनर्जी लगा करके अपनी, तो वो ब्रेक डाउन हो ही नहीं रही, ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ इंटरपार्टिकल मॉलिक्यूल्स या फिर इंटरपार्टिकल फोर्सेस, ठीक है। जो ये इंटरपार्टिकल, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये फोर्स लगाते हैं, ये बीच में क्या अपने आप को क्या करता है, ये जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पर, ये अपने बीच में ना जो ये पैकिंग बना करके रखते हैं, जो क्लोज पैकिंग बना के रखेगा, जो पास पास रहेगा उसमें ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब अट्रैक्शन की ज्यादा एनर्जी होगी, वो जितना दूर होगा, जैसे एक मैग्नेट होती है। अब मैं इधर मैग्नेट को दूर दूर रख दूं, क्या वो आपस में चिपकेंगी, कभी नहीं चिपकेंगी, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि जो मान लो उसकी क्षमता यहां तक है, अगर मैं उसको यहां पर रखूंगा, अगर मैं इस मैग्नेट को यहां पर रखूंगा, किसकी क्षमता है यहाँ पर आके हो जाएगी कि अपने आप किसी दूसरी चीज, किसी चीज लोहे वाली चीज को या फिर किसी दूसरे मैग्नेट को क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले। अगर मैं इसी मैग्नेट को थोड़ा दूर रख दू तो जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन बन रही थी वो खत्म हो जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो आपस में अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा ही इसके साथ हो रहा है, ये थोड़ा क्लोजली है ही नहीं, ये थोड़ा दूर दूर है, ठीक है, टाइटली जो है पैकिंग नहीं है इसकी, किसकी मॉलिक्यूल्स की,
जब टाइटली पैकिंग नहीं है तो उसके बीच में स्पेस क्या है, लार्ज है। लार्ज स्पेस होने की वजह से जो उसकी पैकिंग है वो बिल्कुल ही लूज है, बिल्कुल ही लूज है। इसका मतलब क्या होगा, वो आसानी से टूट जाएगी वो चीज, क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो उनके बीच में जगह कम होगी, जगह कम होगी तो टूटेगी नहीं। ऐसा ही इसके साथ हो रहा है, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े एज कम्पेयर टू रबर टाइटली बाउंड है, मतलब टाइटली जो है पैक है। जब हम उनके अंदर स्पेस देखते हैं, वेरी स्मॉल स्पेस है, स्मॉल स्पेस होने की वजह से, स्मॉल स्पेस होने की वजह से जो उनकी पैकिंग है वो कैसी है, पैकिंग कैसी है उनकी, टाइट, टाइट या फिर बिल्कुल ही टाइट है। जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा, अपनी अट्रैक्शन को तोड़ नहीं रहा, जिसकी वजह से जब हम एनर्जी लगा रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, ठीक है। अब वहीं पर अगर मैं तुमको एक और चीज बताऊं इससे रिलेटेड, अगर मैं वहीं पर ये बोलूं कि मैं इसको हीट दूं और इसको हीट दूं, जब मैं इसको 600 डिग्री सेल्सियस हीट प्रोवाइड कराऊंगा, कितनी 600 डिग्री सेल्सियस, व्हेन वी प्रोवाइड 600 डिग्री सेल्सियस टू आयरन रॉड, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कराऊंगा, ये अपनी स्टेट्स को बदलने लग जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब हमको मैटर की स्टेट्स चेंज करनी हो तो क्या करना होता है, या तो टेम्परेचर को बढ़ा दो या घटा दो, या फिर प्रेशर को बढ़ा दो या घटा दो। यहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रूम टेम्परेचर पे ये लगा लो 35 डिग्री सेल्सियस पे अपनी स्टेट में सॉलिड था। जैसे ही मैंने रूम टेम्परेचर में क्या किया, मतलब क्या किया, मैंने जब आयरन रॉड को जो है हीट प्रोवाइड कराई 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उसने क्या किया, अपनी स्टेट को लूज करना स्टार्ट कर दिया। स्टेट को क्या करना स्टार्ट कर दिया, लूज करना। वो क्या होने लगे, लिक्विड में चेंज होने लग गई। इसको अच्छे से समझते हैं, तुम्हारे डाउट्स हैं पार्टिकल से रिलेटेड, मॉलिक्यूल से रिलेटेड, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी अभी हमने देखा था आयरन रॉड और रबर की बात, सबसे पहले आयरन रॉड को देखते हैं, आयरन रॉड है। अब ये रूम टेम्परेचर पे इसकी स्टेट कैसी है, स्टेट एट रूम टेम्परेचर, की स्टेट कैसी है, सॉलिड है, कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। टेम्परेचर वहां पर क्या हुआ, रूम टेम्परेचर मैंने वहां लिया 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। व्हेन वी प्रोवाइड हीट टू आयरन रॉड, जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं इसको, मतलब जो ये आयरन रॉड है, क्या ये आयरन रॉड, आयरन रॉड, जैसे ही मान लो ये आयरन रॉड है लंबी सी, ठीक है, जब मैं इसको रूम टेम्परेचर पे रख रहा हूं तो ये मेरे से ब्रेक डाउन बिल्कुल हो ही नहीं रही, ठीक है। या फिर किसी चीज, किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करो, मान लो मैंने प्लास का इस्तेमाल किया, प्लास से पकड़ के ऐसे कोशिश की कि मुड़ जाए, लेकिन ये मुड़ नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जब हम सॉलिड, ये सॉलिड आयरन रॉड, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक डाउन नहीं हुई। जैसे ही मैंने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड कराई, फर्स्ट पॉइंट याद रखो, हमने सबसे पहले पॉइंट पे क्या किया, पहले पॉइंट पे व्हेन वी प्रोवाइड हीट, जैसे ही मैंने हीट प्रोवाइड कराई किसको, आयरन रॉड को, कितनी 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड कराई 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसने क्या किया, अपनी स्टेट बदल दी, स्टेट बदल दी, ये जो है लिक्विड में बदलने लग गया, मतलब ये जो है लिक्विड में पूरी तरीके से नहीं बदला, हम ये कह सकते हैं कि अपनी स्टेट को बदलने लग गया, जो इसकी शेप है वो बदलने लग गई, इसकी जो शेप है वो चेंज होने लग गई। अब आप ये पूछोगे शेप कैसे चेंज हो रही है, मैंने अभी आपको बताया वो रबड़ थी, जब हम उस रबड़ को ऐसे करके तोड़ रहे थे, क्या उसकी शेप चेंज नहीं हुई, रूम टेम्परेचर हुई ना, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्सेस जो बिटवीन इसके है इंटर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में, अट्रैक्शन फोर्सेस ये सब क्या हुआ, लूज होने लग गए किसके, आयरन रॉड के, बिकॉज ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इसने अपनी से अपनी मतलब जो स्टेट है इतनी तरीके से बदल ली कि अगर मैं इसको किसी इसमें भी डालूंगा ना, जैसे पानी को किसी बाउल में डालते हैं तो बाउल की शेप ले लेता है, ठीक है, उसको हम बोतल में डालते हैं तो बोतल की शेप ले लेता है, मतलब इसकी स्टेट इतनी खराब हो गई कि मैं इसको जो शेप दूंगा वही शेप ले लेगा, बिकॉज ऑफ इसके जो मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन थी वो बहुत दूर हो गई है, इसके बीच में जो है कि इतना स्पेस बन गया, वेरी लार्ज स्पेस, वेरी लार्ज स्पेस। लार्ज स्पेस होने की वजह से उसने अपनी शेप को बदल लिया, शेप बदलने की वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई। मैंने तुमको पहले भी बताया था शुरू में कि जब स्टेट चेंज होती है तो हमको क्या करना होता है, या तो फिर प्रेशर को बढ़ा दो या फिर घटा दो, या टेम्परेचर को बढ़ा दो या फिर टेम्परेचर को बढ़ा दो। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, उसने अपनी स्टेट बदल दी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, आयरन को किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हैं और किसी भी तरीके की शेप दे सकते हैं, है वो सॉलिड। इसको क्लासिफाई किया गया थीम्स में इन द बोथ ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे किया गया था, बताया था मैंने इंटर पार्टिकल फोर्सेस की वजह से इसको थीम्स में क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े टाइटली पैक होते हैं, कैसे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, टाइटली पैक, टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। और जो इनके बीच का स्पेस होता है वो कैसा होता है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि अपनी शेप को रूम टेम्परेचर पे ये अपनी शेप को नहीं बदलती, शेप को नहीं बदलती। इट मींस हम क्या कह सकते हैं, इट हैज फिक्स शेप एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर फिक्स है, मान लो ये क्या एक सॉलिड सब्सटेंस है, अब ये रूम टेम्परेचर पे मैं इसको कुछ भी करूंगा जो अपनी शेप नहीं बदल रहा, तो इसका मास भी नहीं बदल रहा, जब ये टूट ही नहीं रहा तो इसका मास तो सेम ही रहेगा। अगर मैं इसको बोलूं कि 400 ग्राम का डस्टर है तो 400 ग्राम का ही रहने वाला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका आता है क्या है, इसकी जो है इट हैज फिक्स वॉल्यूम, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, ठीक है, लिक्विड में हमने देखा कि लिक्विड जो है, जैसे मान लो मैं एक वाटर बोतल ली मैंने ऐसे करके, या फिर ग्लास लिया पानी का ग्लास लिया और इसको जो है ऊपर से ढक दिया, मैंने ऐसे कवर कर दिया बिल्कुल टाइटली, उसके अंदर इतना पानी है कांच के ग्लास के अंदर, ठीक है। अगर उसके अंदर पानी है लगा लो 500 ml है, 500 ml मतलब आधा लीटर पानी है, ठीक है। जब मैं उस ग्लास को सीधा रख रहा हूँ सरफेस के ऊपर, जब मैं इस ग्लास को सीधा रख रहा हूँ तो ये अपनी शेप कैसे ले रहा है, ये वाली शेप ले रहा है, ये वाली जो मैंने यहाँ पे, जब मैंने इस ग्लास को ऐसे टेढ़ा कर दिया, When we change the shape of glass, जब हमने ग्लास की शेप को ही बदल दिया, मान लो मैंने उसको ऐसे टेढ़ा रख दिया, तो उसकी पानी की शेप कैसी होगी, ऐसी होगी, यहाँ है हमारा पानी। इट मींस पानी तो उतना ही है, 500 ml है ना उतना ही, लेकिन उसने क्या किया, शेप को बदल दिया, शेप को बदल दिया, शेप चेंज हो गई यहाँ पर, ठीक है, शेप चेंज हो गई यहां पर, ठीक है। हमको पता लग गया कि क्या हो रहा है इसमें, इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप,
फिक्स इज सेफ इन एसी। जब सेफ भी फिक्स नहीं है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, टाइटली बाउंड होंगे कि लूजली बाउंड होंगे थोड़े थोड़े। जब लूजली बाउंड है तो इसी बीच में स्पेस कवर हो रहा है, स्पेस कवर हो रहा है तो इसकी अट्रैक्शन दूर हो रही है, अट्रैक्शन अलग अलग है तो यह अपनी शेप को बदल रहा है, ठीक है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता है, इट हैज फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। यहां तक आता है समझ। मैंने क्या बोला कि जब मैंने एक वाटर मतलब एक ग्लास के अंदर पानी लिया, जब एक ग्लास के अंदर पानी लिया उस ग्लास में मैंने 500 ml का मिला रखा था, वाटर मिला रखा था। जब मैंने ग्लास को सीधा रखा सरफेस के ऊपर तो उसकी शेप कैसी थी, वाटर की ऐसी थी, यहाँ पे जो मैंने ब्लैक ब्लैक कर रखा है उसके अंदर 500 ml वाटर था। जब मैंने उस ग्लास की शेप को बदल दिया यहाँ पर, जब मैंने उसको टेढ़ा कर दिया ऐसे सरफेस के ऊपर ऐसे ठीक हो ये रखा हो तो उसकी शेप ऐसी ले ली, ग्लास के अंदर अपनी शेप कैसी ले ली, ऐसी ले ली। और वाटर 500 ml था उसके अंदर से वाटर बिल्कुल भी नहीं निकाला, लेकिन उसने शेप को तो बदल लिया लेकिन वॉल्यूम को नहीं बदल पाया। इट मीन जो उसके मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़ा थोड़ा लूजली पैक थे, ठीक है, उनके बीच में अट्रैक्शन कम थी एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है, इसलिए वो टाइटली पैक नहीं थे। टाइटली पैक नहीं थे तो उसने अपनी शेप बदल ली, शेप बदलने की वजह से क्या हुआ, क्या हुआ, उसने अपनी शेप बदल ली उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ, उन्हें क्या था, इट हैज फिक्स्ड। इससे हमको पता लग गया कि इसकी जो फिक्स है क्या है, वो शेप है लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा, देख लिया, अब मैं इसको रब कर दूं, चलो रब कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे गैस के बारे में, गैस में क्या होता है। हमने देखा है कि हमारे जो आसपास सराउंडिंग में क्या क्या ऐसी गैस है, जैसे हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अगर हम किसी भी कोने में चले जाएं तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन जरूर मिल जाएगी। इट मीन्स उसकी शेप जो है फिक्स ही नहीं है कि वो कहीं पर भी जा रही है। अगर हम उसको रूम के अंदर देख रहे हैं तो रूम जैसी शेप हो रही है उसकी, ठीक है। अगर उसको हम किसी बॉटल के अंदर देख रहे हैं तो बॉटल जैसी शेप है। इट मीन्स उसकी तो शेप फिक्स है, इट हैज not fixed। अगर सेम फिक्स नहीं है तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहीं कहीं होंगे, मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मतलब वो टाइटली पैक नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है। जब टाइटली पैक नहीं है तो उसकी शेप जो है चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है तो उसका वॉल्यूम भी नहीं है। हमने धुआं देखा है ना, लोग कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जो हम धुआं देखते हैं क्या वो उसका कोई वॉल्यूम होता है क्या, कि वो मतलब कि वो 200 ग्राम गैस निकल रही है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता उसका मतलब। इसका मतलब क्या है, इट हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कुछ फिक्स ही नहीं है। क्या पता है कंटेनर के अंदर वो कितनी गैस चले जाए, और क्या पता उस कमरे के अंदर बिल्कुल भी ना जाए किसी कमरे के अंदर, इसका मतलब उसका वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, सेम जो फिक्स है, ठीक है। हमको पता लग रहा है स्मोकिंग करते हुए बंदे को हमने देखा है, जब वो स्मोकिंग करता है तो क्या होता है, धुआं निकलता है, वो कुछ धुआं इधर जाता है कुछ वहां जाता है, वो जो फैलता ही रहता है अलग, उसका वॉल्यूम फिक्स ही नहीं है, ठीक है। और ना उसकी सेप फिक्स है, वो क्या होता है कभी ऐसे सेप ले ले, क्या होता है ऐसे फ्लैट हो जाए, पता नहीं लगता, ठीक है। तो आज हम इधर पढ़ते हैं जो इसके बीच में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो वेरी हाई होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। थैंक यू। आज लेक्चर का एंड हम यहीं पर करेंगे, अगले लेक्चर में हम इनको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, इस अगर इसमें हम टेम्परेचर अप्लाई करें, इसमें अप्लाई करें, इसमें अप्लाई करें तो क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होता है, इवापोरेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे, ठीक है।